नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूँ जिससे आप किसी की भी दृष्टि को बांध सकते हो, और किसी की भी दृष्टि को नहीं। आपने देखा होगा कई बार जादूगर होते हैं ऐसे जो खेल करते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होकर के खेल करते हैं, वो करते कुछ और है, आपको दिखता कुछ और है। आप सब की दृष्टि को एक झटके में बांध देते हैं, और वो जो कहते हैं ना कि देखो अब हवा में ये होगा वो होगा, तो आपको जो बोलता है ना सेम वही दिखाई देने लग जाता है। आपका मन उसको तत्काल मान लेता है, और मन उसी तरह के फीचर्स आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। जैसा जादूगर बोलता है वैसा ही आपको लगने लगता है। आप इससे पूरे समूह की दृष्टि बांध सकते हो, इससे पूरे गांव की दृष्टि बांध सकते हो, जितने लोग आपके संपर्क में सबकी दृष्टि बांध सकते हो, जितने लोग खड़े हैं सभा में उन सबकी दृष्टि बांध सकते हो, और आप चाहो तो किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि बांध सकते हो। उसे जो कहोगे वही महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसकी बुद्धि, उसकी दृष्टि आपके मुताबिक, आपके शब्दों के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। जैसा आप कहोगे, जो भी उसे कहोगे, जिस समय जो भी उसे कहोगे, उसे वही ब्रह्म सत्य लगेगा। उसे लगेगा कि ये आदमी जो बोल रहा है यार, ऐसा तो वास्तव में हो रहा है। आप उसे कह रहे हो देखो कितने मुर्दे हवा में उड़ रहे हैं, उसको वास्तव में हवा में उड़ते हुए मुर्दे दिखाई देंगे। आप कहोगे ये देखो चारों ओर आग लगी हुई है, उसको आग लगी हुई महसूस होगी, दिखाई देगी। इस प्रकार से जो आप कहोगे वही उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये एक जोरदार साधना है। की कैसे जाती है ये मैं आपको आज बताता हूँ। हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ये साधना बताई थी। ये बहुत जोरदार साधना है, आप चाहो तो करके देख लेना। दोस्तों, इस साधना में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक चुटकी मिट्टी उठा करके लानी पड़ती है। शमशान में जो चिता की भस्म होती है, जहाँ चिता जल जाती है, वहां से रविवार के दिन जाकर के एक चुटकी आप भस्म उठा लो। थोड़ी सी ज्यादा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा भी उठा सकते हो। वो भस्म किसी बर्तन में, किसी कटोरी वटोरी में रख करके, और उसकी वहां पूजा करो। पूजा करके आज जो मैं मंत्र आपको बताऊं ना, उस मंत्र का 108 जाप कर लो। जाप करके उस भस्म को तैयार कर लो। भस्म आपके अब तैयार है, आप उस भस्म को अपने साथ में ले आओ, पुड़िया बांध करके ले आओ। कैसे ले आओ? ले आए, उसको ठिकाने साफ एकदम अच्छी तरह से ठिकाने रख दो। रख दिया, अब क्या है दोस्तों, जब भी जरूरत पड़े कि अब आज जरूरत पड़ी, आज किसी की दृष्टि बांधनी है, या पूरे गांव की दृष्टि बांधनी है, पूरे समूह की दृष्टि बांधनी है, जैसे कोई नेता है भाषण दे रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि जो जो अपन बोल रहे हैं दुनिया को वही लगना चाहिए, वही ब्रह्म सत्य है, वही जो बात है वही एकदम सटीक है, सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो एक चुटकी आप लाए थे ना राख, उस राख को चुपके से निकाल करके मंत्र को पहले जाप करके तैयार रख लेना। 108 मंत्रों का जाप करके पहले तैयार रख लेना। तैयार रख करके अब सभा में जाना, जाकर के चुपके से वो राख उड़ा देना। वो राख उड़ गई एक बार राख उड़ गई, हवा में मिल गई, उसके बाद में सब जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सब पर आपके शब्दों का जादू चलना शुरू हो जाएगा। आपके शब्द मिरकल हो जाएंगे, आपके शब्द बड़े ही प्रभावपूर्ण हो जाएंगे, और वो सीधा उसके अवचेतन मन में असर करेंगे। तुरंत जो बोलोगे वही उसको लगेगा कि हाँ यही हो रहा है, एकदम सही तो बोल रहे हैं, एकदम ब्रह्म अटल सत्य बोल रहे हैं, यही हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक दृष्टि बांधने की साधना है, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति की कहीं भी दृष्टि को बांध सकता है। दोस्तों, इसमें मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से उसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर भी आएगा मंत्र है। दोस्तों, ओम नमो काला भैरव घुंघर वाला, ओम नमो काला भैरव घुंघर वाला, हाथ खड़ग फूलों की माला, 64 योगिनी संग में चले, 64 योगिनी संग में चले, देखो खोले नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तो ही, सबकी दृष्टि बांधी दे मोही, मैं पूजो तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पांव लगाए, भरी अथाई सुमिरो तो ही, तेरा किया सब कुछ होय, देखो भैरो तेरे मंत्र की शक्ति, चले मंत्र ईश्वरो बाचा, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरों बाचा। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके आप चाहो तो किसी की भी दृष्टि को क्षण भर में बांध सकते हो, और उसे जो आपके मन में है, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, वही उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस जो मैंने विद्या बताई इसका सदुपयोग ही करना, कभी दुरुपयोग मत करना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।